और आपको ये बताऊंगा कि हिल टॉप एड्स 1000 व्यू का कितना पैसा देता है और इम्प्रेशन का भी, और कौन सा एड यूनिट बेस्ट है। अगर आप हिल टॉप एड्स के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताया तो ऐड फॉर्मेट्स इसमें क्या क्या मिलते हैं। तो इसमें पॉप एंटर, इन पेज, बैनर, वीडियो सब चीज़ मिलता है, ठीक है। और मैं बताऊँगा सबसे ज़्यादा अर्निंग किस में होती है। और अगर हम इसकी मेन वेबसाइट देखें तो ये ट्रैफिक बाय करने के लिए भी है और मोनेटाइज करने के लिए भी, मतलब आप यहाँ से ट्रैफिक बाय भी कर सकते हैं और मोनेटाइज भी कर सकते हैं। तो कई लोग मेरे से कमेंट करके पूछते हैं कि ट्रैफिक कहाँ से ख़रीदें, तो हिल टॉप एड्स आपको मतलब दिख रहा है, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट ज़रूर नहीं आप यहीं से ख़रीदें, और भी बहुत सारी वेबसाइटें, एक आपको आइडिया बता रहा हूँ, आप जाके ये भी टाइप कर सकते हैं हिल टॉप एड्स अल्टरनेटिव, तो आपको मिल जाएगी बहुत सारी वेबसाइट्स जहाँ से आप ट्रैफिक परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक कई बार नहीं मिलता है तो लोग चाहते हैं वैसे ट्रैफिक, तो उस वजह से मैं बता रहा हूँ। बाकी आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इसका इस्तेमाल करें, ठीक है। मोनेटाइज पर्पज़ से भी कर सकते हैं, और मैं दिखाने वाला हूँ कि मेरे को क्या फ़ायदा हुआ क्या नुकसान हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे एडवर्टाइज़र और पब्लिशर दोनों के लिए बता रखा है। एंटी ब्लॉक फीचर यहाँ पर मिल जाता है, बाकी फुल्ली मैनेज सर्विस है सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से देखेंगे तो वेबसाइट बड़ी सही लगती है और अच्छा डिज़ाइन है, सब कुछ है। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ पे, कस्टमर जो सेटिस्फेक्शन ये सब है कि कस्टमर जो क्या बता रहे हैं इसके बारे में। और यहाँ से आप अफिलिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। अफिलिएट का ही 5% देते हैं, तो ये देख सकते हैं कौन कौन सी वेबसाइट से जुड़े हुए हैं। ऑफर वर्ल्ड हो गया, एवीवर हो गया, इस तरीके की वेबसाइट से ये लोग कोलेबोरेशन में है, ठीक है। बाकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये सब इनकी, ठीक है। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ, लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं और मैं दिखाता हूँ, मैंने अकाउंट बना रखा है, ठीक है। यहाँ लॉगिन कर लेते हैं और ये लॉगिन हो चुका है, देख सकते हैं $0.30 की अर्निंग हुई है अभी तक। और मैं स्टैटिस्टिक्स में आपको लेके चलता हूँ, रिपोर्ट में लेके चलता हूँ आपको, तो देखेंगे ये 12/6 मतलब 12 दिसंबर का दिखा रहा है, सॉरी 6 दिसंबर का दिखा रहा है, देखेंगे तो 7 दिसंबर है। तो देख सकते हैं 496 इम्प्रेशन का $0.01, ठीक है। अब मैं आपको पूरा डिटेल दिखाने वाला हूँ इसका, और यही बताने वाला हूँ कि इसका पेमेंट प्रूफ और ये सब जो होता है वो सब भी आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो एंड तक बने रहिएगा, लास्ट 30 डेज़ क्लिक करते हैं और गेट स्टैटिस्टिक्स करते हैं, तो लास्ट 30 डेज़ मतलब पूरे 30 दिन का आ जाएगा। इसको ज्वाइन किए हुए मेरे ख्याल से 15-20 दिन हुआ है, मुझे 20 दिन के करीब हुआ है, या 15 दिन में सही से मालूम नहीं है, 23 दिन दिखा रहा है यहाँ पर। तो 23 डेज़ यहाँ पे हो चुका है और यहाँ पे अर्निंग आप देख सकते हैं $0.02 मैक्सिमम हुआ था 801 इंप्रेशन का, ठीक है। तो अगर आप 1000 इंप्रेशन का ओवरऑल मिलाएंगे कहीं से भी तो $0.02 का बनता है। और 1000 इंप्रेशन में मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, बहुत सारी इसका रिव्यू कर चुका हूँ मैं ऐड नेटवर्क का, प्ले लिस्ट में जाके देखेंगे तो ऐड नेटवर्क्स के आपको सारे रिव्यू मिल जाएंगे, ठीक है। इस वाले में ऐड नेटवर्क का सारा रिव्यू मिल जाएगा, तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ आपको। तो इसमें देखेंगे तो मैंने जो एड नेटवर्क रिव्यूज़ किए हैं ढेर सारे, तो 1000 व्यू का ज़्यादा ही पैसा मिल जाता है, खासकर इजोइक वाले में तो 1000 इंप्रेशन का आपको बढ़िया पैसा मिल जाता है। तो मैं इजोइक का डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ आपको और ये बताऊँगा कि आपको मतलब इजोइक में कितना मिलता है 1000 इंप्रेशन का, क्योंकि यहाँ पर भी मेरी वेबसाइट जो है लाइव चल रही है, दोनों वेबसाइट लगभग सेम है, सेम कैटेगरी सब कुछ है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 307 इंप्रेशन का $0.30 है, ठीक है। और वहीं पर देखेंगे तो 0.11 भी है, लेकिन एक कंसिस्टेंट $0.30 रह ही रहा है, $0.47 भी मिला है 320 पे। अगर हम इसको ही फेंक कर माने ना तो भी 30 के करीब तो बन ही रहा है, $0.30 तो बन ही रहा है। और यहाँ पे कितना 0.02, हाँ 1000 इंप्रेशन का 0.02 या 0.03 0.04 भी फेंक कर मान लें तो इतना आपका बन रहा है। देख सकते हैं जो इसका RPM है वो क्या है, 0.028 इस तरीके से, देखते हैं RPM दिखा रहा है कि नहीं, RPM दिखा नहीं रहा है, बट आप समझ सकते हैं RPM बढ़िया ही है उसके हिसाब से। कैसे भी आप मैच करेंगे तो 10-20 गुना ज़्यादा अर्निंग मिल रही है। तो इस तरीके से ऐड नेटवर्क का कंपैरिजन भी मैं करता हूँ, ठीक है। और आप मेरे को बताइएगा और किस किस ऐड नेटवर्क का कंपैरिजन करूँ, ये बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि लोग में से हिल टॉप एड्स के बारे में पूछ रहे थे। और अगर आप हिल टॉप एड्स के बारे में वो पेमेंट प्रूफ वगैरह जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हिल टॉप एड्स टाइप करें, तो यहाँ पे आपको हिल टॉप एड्स पेमेंट प्रूफ मैं यहाँ क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। तो देखेंगे सबसे पहले हिल टॉप एड्स का ही आ रहा है, और अगर देखेंगे तो इस तरीके की चीज़ें आ रही है, अर्निंग ट्रिक मतलब पेमेंट प्रूफ तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो ये पेमेंट प्रूफ की बात हो रही है, अब पता नहीं पेमेंट प्रूफ है कि नहीं, ठीक है। ये सब ऐसा बोला जाता है लेकिन होता नहीं है पेमेंट प्रूफ वगैरह,
लग नहीं रहा इसमें भी है, फिर इस तरीके से ये वीडियो है। मतलब आप देख सकते हैं, आप देख लीजिएगा जो भी है यहाँ पे कि आपको पेमेंट है कि नहीं। यहाँ पे दिखा रहा है प्रूफ इनसाइड, तो इसको देख लीजिएगा कि क्या बोल रहा है ये। बेसिकली मुझे तो नहीं मिला, बस मैं आपको इतना बता रहा हूँ जो पेमेंट प्रूफ है। हो सकता है अर्निंग होती हो। और आपको एक चीज़ और भी दिखाया था यहाँ पे कि पेमेंट प्रूफ का क्या है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ऐड नेटवर्क बताया था, नेटवर्क क्या है मतलब यूनिट बताया था, ऐड यूनिट जो सबसे अच्छी चल रही है। स्टैटिस्टिक्स पे जाएंगे, अगर मैं मैनेज साइट एंड जोन्स में जाऊँ ना तो इसमें आपको आ जाएगा, ठीक है, इसमें आपको आ जाएगा। एक ही वेबसाइट जोड़ा है मैंने, तो देख सकते हैं विड वन जो दिखा रहा है ना, इसमें सबसे ज़्यादा अर्निंग हुई है। अगर मैं ओपन स्टैट्स करूँ, वैसे भी आप देख सकते हैं 178 पे 0.01, बाकी में बिल्कुल भी अर्निंग नहीं हुई है। तो मैं वीडियो वाले का दिखाता हूँ खोल के, तो आप वीडियो ऐड यहाँ पे लगा सकते हैं। वीडियो ऐड लगाने के लिए कुछ नहीं करना, आपको वीडियो ऐड पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको उसको लगा देना है। अगर मैं इसको ओवरऑल करूँ लास्ट 30 डेज़, तो ये दिखाता हूँ आपको लास्ट 30 डेज़ का दिखाता हूँ वीडियो वाले का, ठीक है। तो वीडियो वाले में ये अर्निंग हुई है, जो हुई है $0.30 इसी पे अर्निंग हुई है वीडियो पे ही। तो आप देख सकते हैं वीडियो वाला ही ज़्यादा अच्छा है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने इसके लिए। और अगर मैं पेमेंट के बारे में दिखाऊं तो यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री में आके देख सकते हैं कि पेमेंट आपको मिली है नहीं मिली है, जो भी है, जो भी आपको पेमेंट अगर यहाँ से मिले तो मिले, जो भी है। $0.09 यहाँ पे दिखा रहा है ट्रैफिक से अर्निंग बनी है अभी तक, बस इतना ही जुड़ा है, हर महीने के एंड में यहाँ पे जुड़ता होगा शायद, ठीक है। नेक्स्ट पेमेंट का यहाँ डिटेल दे रहे हैं, और अगर आपको यहाँ पे जोड़ना है पेमेंट का तो यहाँ पे आ जाएगा आपको। आपको यहाँ पे पेपल या किसी के माध्यम से ले सकते हैं। मैं पेमेंट इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर आप सिलेक्ट करेंगे बिटकॉइन तो यहाँ पे दिखा रहा है $200, यहाँ पे कैपिटलिस्ट सिलेक्ट करेंगे तो $20, और पेपल जो है सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, तो $20 ही मिनिमम है। देख सकते हैं मिनिमम पे आउट $20, और आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डालना होगा। ईमेल आईडी जब आप यहाँ पे डालेंगे और सेव करेंगे तो आपको $20 होने के बाद आपके पेपल पे शायद ये पैसा भेजेंगे, ठीक है। मुझे पता नहीं है कि पैसा भेजते हैं कि नहीं। फिर यहाँ पे रेफरल प्रोग्राम है, रेफरल प्रोग्राम पे आप देख सकते हैं 5% एडवर्टाइज़र और 5% पब्लिशर को मिलता है। मतलब कि अगर आप किसी पब्लिशर को यहाँ पे लाते हैं, ठीक है, तो भी 5% उसका आपको रेवेन्यू मिलेगा, और एडवर्टाइज़र का भी, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आपको लिंक्स एंड प्रोमो मिल जाते हैं, ठीक है, रेफरल आईडी ये सब भी शो कर रहा है। तो इस तरीके से 5% आपको मिल जाता है कमीशन। तो आप चाहें तो जो है ये चीज़ करके भी यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। और बाकी ये जो है डैशबोर्ड है, यहाँ पे डैशबोर्ड दिखाता हूँ। डैशबोर्ड में कुछ खास है नहीं, आपको ये रिपोर्ट वगैरह मिल जाती है। बाकी आपको यहाँ पर्सनल आपका मैनेजर मिल जाता है, पर्सनल मैनेजर से आप बात कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मतलब वहाँ पर आ जाएगा कि एक सेकेंड, ईमेल वगैरह आ जाता है, देख सकते हैं ईमेल वगैरह आ रहा है, इससे आप बात कर सकते हैं। जो भी अलग अलग मैनेजर मिलता है नहीं मिलता वो आप देख लीजिएगा अपना, ठीक है। तो ये मेरे को कुल मिला के आपको रिव्यू दिखाना था, अपने चैनल पे लेके चलता हूँ एक सेकेंड। तो ये मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। मैंने ऐसा वीडियो बनाता हूँ और आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। बाकी वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।